पाकिस्तान में मॉनसून दुल्हनों की क्या है कहानी? अधेड़ उम्र के मर्दों से क्यों लड़कियों का हो रहा है विवाह? पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है मॉनसून दुल्हन का चलन? पैसे लेकर क्यों लड़कियां बेच रहे हैं माँ बाप? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान की। जब ये खबर पूरे देश में सामने आई तो सभी हैरान रह गए, सभी के होश उड़ गए कि आखिरकार पाकिस्तान में ये जो हो रहा है, ये चलन अभी चला है या काफी लंबे अरसे से चल रहा है? आखिरकार कोई माँ बाप अपनी गरीबी से इतने साफ तौर पर देखा जाए तो बेबस कैसे हो सकते हैं कि वो अपने लड़की को ही किसी अधेड़ उम्र को शख्स को बेच दे? पाकिस्तान में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण लोगों के हाल इतने खराब हो चुके हैं कि माँ बाप पैसे के बदले अपनी छोटी लड़कियों की शादी अधेड़ उम्र के लोगों के साथ करा रहे हैं। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें 13 से 14 साल की लड़कियों की शादी उनसे उम्र में कई साल बड़े लोगों से करा दी गई है। बाल विवाह कहा जा सकता है लड़कियों के लिए, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम होती है और शादी एक अधेड़ उम्र के लड़के से करा दी जाती है और इसके बदले पैसे लिए जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अपनी लड़कियों को बेचा जाता है। बाल विवाह रोकने के लिए धार्मिक अगर देखा जाए तो विद्वानों के साथ काम करने वाले एनजीओ की बात भी इसमें सामने आई, उनकी रिपोर्ट्स भी देखी गई, जहां पर उसके अनुसार पता लगा कि लगभग हर साल आने वाली बाढ़ के कारण माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण मॉनसून दुल्हन का ये नया चलन शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में फिर क्यों बढ़ने लगे बाल विवाह, ये लगातार सवाल फिर खड़ा होने लगा। क्या है वजह कि पाकिस्तान में हाल के वर्षों में बाल विवाहों की दर में काफी वृद्धि आई है, लेकिन 2022 की बाढ़ के बाद मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दे डाली कि जलवायु से बढ़ती असुरक्षा के कारण अब बाल विवाहों की संख्या बढ़ी है। इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आया कि जहां बाढ़ का साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रभावित हो रहे हैं तमाम जगहें पाकिस्तान में, तो उससे बाल विवाह का क्या लेना देना है? बाढ़ आने से बाल विवाह का क्या लेना देना है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल पाकिस्तान में जुलाई और सितंबर के बीच में जो मॉनसून आता है वह किसानों और फसलों के लिए जरूरी होता है। पिछले कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन के कारण ये मॉनसून का समय लगातार बढ़ता ही गया है। इसके कारण यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बन चुका है। इसके साथ ही फसलों को भी भयंकर हानि का सामना करना पड़ा है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। 2022 में पाकिस्तान की आपको बात की जाए तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र ने बाढ़ का साफ तौर पर एक प्रकोप झेला था। इस बाढ़ से यह क्षेत्र आज तक उभर नहीं पाया है। इस बाढ़ में पूरे पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा डूब गया था। लाखों लोग साफ तौर पर देखा गया विस्थापित हो गए थे और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। सिंध की अधिकतर आबादी कृषि पर ही आधारित है। 2022 के बाद गरीबी ने और खराब हालात पैदा कर दिए। जिस तरीके से पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने आई, हर कोई परेशान हो गया। 2022 की बाढ़ के बाद से दादू जिसके गांव में बाल विवाह बढ़ गया, यह इलाका सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहा है। ये महीनों तक यहाँ पर देखा जाए तो झील जैसा यहाँ पर दृश्य नजर आता है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसे ही एक मामले में जब उसी गांव की एक 65 वर्षीय महिला से इस बाल विवाह के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 2022 की बारिश और बाढ़ से पहले हमारे इलाके में लड़कियों की शादी इतनी कम उम्र में करने की जरूरत नहीं थी। वे खेतों में काम करती थी, लड़की के बिस्तरों के लिए साफ तौर पर देखा जाता था कि रस्सी बनाती थी और पुरुष मछली पकड़ने और खेती का व्यवसाय करते थे, लेकिन बाढ़ के बाद सब कुछ बदल गया। यहाँ अब पेट भरने लायक अनाज भी पैदा नहीं होता। लड़की की माँ बाप के अनुसार अगर बात की जाए, इस रिपोर्ट पर नजर डाली जाए, तो उन्होंने अपनी बेटियों को गरीबी से बचाने के लिए ऐसा किया है। उनका कहना है कि हमने इसके लिए पैसे भी लिए हैं,
जिससे हमारी जिंदगी भी सही से चल सके, हमारी लड़की का भी भविष्य सुधर जाए। ये साफ तौर पर वहां पर अपनी लड़कियों को बेच रहे माँ बाप का कहना है। लड़कियों की जिन व्यक्तियों से शादी की गई है उनके परिवार के अनुसार उन्होंने युवा दुल्हन के माता पिता को करीब 2 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए में दिए हैं, इसके बाद ही उनकी शादी हुई है। यानी 2 लाख रुपए लेकर पाकिस्तान के माँ बाप अपनी बेटियों को बेच रहे हैं और इसके पीछे का कारण गरीबी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गरीबी की वजह से उन्होंने अपनी बेटियों को बेचा है और इसमें कुछ गलत नहीं किया है। उनका कहना है कि लड़कियों की शादी हमने कर दी, 2 लाख रुपए ले लिए ताकि लड़की इस गरीबी का शिकार ना बने और उनकी भी जिंदगी खुशहाली की ओर चल पड़े। पाकिस्तान के इस क्षेत्र में जहां गरीबी अपने चरम पर है, वहां पर 2000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। आपको बता दें, जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान में रुपयों लेकर लड़कियों की शादी का साफ तौर पर मामला सामने आ रहा है, जहां पर पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से मैं बता रही हूँ, कहा जा रहा है कि रुपए लेकर लड़कियों को बेचा जाता है, गरीबी इसका एक मुख्य कारण है। मानसून दुल्हन की एक कहानी है, जहाँ पर मानसून शुरू होते ही किसान मजबूर हो जाते हैं अपनी लड़कियों को बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें गरीबी से लड़की को बचाना है और खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाना है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।